प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल में 10 अक्टूबर को मोहम्मद दानिश का गाया हुआ गाना हुआ रिलीज। जी हाँ, मोहम्मद दानिश इंडियन आइडल से अपनी अनोखी पहचान बनाने वाले एक बेहतरीन गायकों में से एक हैं। नागपुर के जिंजर मॉल में बीती रात हुआ गाना रिलीज। इस गाने में मुख्य भूमिका निभाई है संतोष हिर सिंह ने और शीतल कंडवाल ने। गाने के बोल और सुर सागर डेहरिया जी के हैं, जिसके निर्माता एन डेहरिया है। सह कलाकार मोइन कुरैशी, अरबाज शेख, मोहित शर्मा, मुख्तार शेख एवं अनिशा शेख हैं। इसका निर्देशन सनी वासयानी और रोहित मने ने किया। कास्टिंग और प्रमोशन आसिफ खान, तमन्ना इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट ने किया। आपको बता दें कि नागपुर के ताजबाग और बीटीपी फार्म हाउस में इसे फिल्माया गया है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ताजबाग दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक बागुल, बीटीपी ग्रुप के संचालक फैजान शेख, इमरान शेख पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, राज रत्न बंसोड़ पूर्व पार्षद विकी कुकरेजा, सिंधु सेना एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष डिम्पी बजाज, पॉकलैंड ग्रुप के राजीव कमल, अमित सिन्हा, आरजे दीपिका, आरजे फरहान, एमजे डेनी, एमजे रवि, एमजे मनोज रवि सिंघम और आसिफ खान प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस दौरान दानिश ने अपनी मधुर आवाज से उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत खूबसूरत उसमें एक्टिंग की है शीतल कंडवाल ने और संतोष हीरा सिंघारी जी ने, अपनी मखमली आवाज दी है इसमें सिंगर मोहम्मद दानिश ने। आज हमने जो मेहमानी खास बनाया है, मैं उनका नाम लेता हूँ और फिर धीरे से हम लोग उस वीडियो की तरफ बढ़ेंगे जो हमने शूट किया है। जनाब प्यारे खान साहब प्रेसिडेंट ताजबाग ट्रस्ट जो थोड़ी देर में हम लोगों के बीच में पहुंचने वाले हैं, फैजान शेख साहब एमडी बीटीपी ग्रुप, कल्याण शेख साहब एनबीसीएन न्यूज, एसीपी अशोक बाबू सर, रिटायर्ड एसीपी राजरतन बंसोड़ सर, विक्की कुकरेजा सर और डिम्पी दीपक बजाज डायरेक्टर सिंधु एजुकेशन सोसाइटी। और ये इन्विटेशन बड़ा खास था, बाकी सारे हमारे वीआईपी गेस्ट भी हैं, हमारे प्यारे दोस्त हैं और सपोर्टर हैं, सलीम रहमान साहब, रवि सिंघम साहब, राजीव सर, अमित सर पार्कलैंड ग्रुप से, एमजे डेनी हैं, एमजे मनोज हैं, आसिफ जमील हैं जिन्हें नागपुर का विराट कोहली कहा जाता है। अब मैं गाने की टीम की तरफ बढ़ता हूं। जैसे मैंने बताया कि सिंगर है मोहम्मद दानिश, इसके प्रोड्यूसर साथ ही साथ लिरिक्स भी और कंपोजर, ये तीनों काम बखूबी से एक ही शख्स ने निभाया है, सागर डेहरिया सर ने। एक्टर है इसमें संतोष हीरा सिंघानी, एक्ट्रेस है शीतल खंडवाल और मेरी इसमें सपोर्टिंग टीम है मोइन कुरैशी, मोहित शर्मा, अरबाज शेख, मुख्तार शेख साहब, अनिशा शेख, डीओपी सनी वासानी एंड टीम, ताजबाग ट्रस्ट, बीटीपी ग्रुप, एनबीसीएन ग्रुप, फैजान शेख साहब, इमरान शेख साहब, हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इसमें सपोर्ट किया। ऑफिशियल मीडिया पार्टनर इसमें एनबीसीएन है। कास्टिंग एंड प्रमोशन का भी सबसे छोटा काम है वो इस खाकसार ने संभाला है, यानी आसिफ खान तमन्ना इवेंट्स ने। स्पेशल थैंक्स मेरी टीम को जिनके बगैर मैं अधूरा हूँ, फिरोज भाई, अंकुश भाई, सर्वेश भाई, मोहित भाई, फराज शेख। धीरे से हम लोग अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ एक शेर के साथ आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए, चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए, मैं तो सूरज हूं बुझूंगा भी तो जलने के लिए, और मंजिलों तुम्हें कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। ये शेर मैंने सब लोगों की जो दुआएं पीछे चल रही थी उसके लिए कहा है। हालांकि आपको इंतजार कराया, एक बार फिर मैं माफी का तलबगार हूं। हम लोग इस गाने का एक बार वीडियो देखते हैं फिर लॉन्चिंग की तरफ करेंगे।
दानिश भाई आपकी आवाज़ तो भाई माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है और आपकी एक्टिंग और आपकी एक्टिंग तो लाजवाब और बहुत अच्छा। बाकी जो टीम जो सपोर्ट करी है और टीम ने जो बनाई है बहुत ही बढ़िया है, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। तो उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। ये जो गाना है इतना करम, एक्चुअली ये एक दिल की आवाज़ है, एक सिर्फ गाना नहीं है बल्कि एक दिल की आवाज़, एक प्रेयर है। और इस प्रेयर को जिस खूबसूरती से दानिश भाई ने गाया है उसमें जान डाल दी है और जो एक्टिंग शीतल और उन्होंने आनंद जी किया है, इस एक्टिंग और इस वीडियो को देखने के बाद में रियली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप इसको दोबारा जब देखेंगे, पूरी टीम की मेहनत, खास करके आसिफ भाई की मेहनत, सन्नी बासवानी, जितनी भी हमारी टीम है उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की है। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्र गुजारता हूँ मोहम्मद दानिश भाई का, इतना बिजी शेड्यूल है, उनको कल भी मॉरीशस जाना है, एक महीने का बिजी शेड्यूल, उसके बाद भी हमारी रिक्वेस्ट पर आसिफ भाई के प्यार में उन्हें खींच के लिया है। हम पूरे सभी की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और बस मैं यही चाहता हूँ कि एक गाना नहीं, एक प्रेयर है, ये हर दिल की आवाज़ बने, हर जगह दुआओं में ये शामिल हो और ये सब आप इसे प्यार करें, पसंद करें। थैंक यू सो मच। आपको नमस्कार। कल ईद थी और आज हमको खुदा का नूर आपकी आवाज़ में मिला है। आपने बहुत सुंदर गीत गाया है और साथ ही यहाँ पे संतोष, इट्स अ प्राउड मोमेंट कि हम संतोष को यहाँ पे एक्ट में देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और शीतल जी आपका भी बहुत ही प्यारा है। इट्स अ सेइंग वेल बिगन इज हाफ डन, तो इतना सुंदर लॉन्च है तो डेफिनेटली बहुत यूथ सक्सेस मिलेगा पूरी टीम को, बहुत बहुत बधाई। गाना कैसा था और एक्टिंग कैसी थी ये तो आप हमें बताएंगे, बट हमें बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाले। आई एम रियली थैंकफुल आसिफ सर एंड सारे हमारे वीआईपी गेस्ट, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर कमिंग टू जॉइन आवर सक्सेस हियर टुडे। स्पेशल थैंक्स जो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी आसिफ सर से। आसिफ सर ने मुझे उतना लायक समझा इस प्यारे एल्बम के लिए और मैं इतना जस्टिफाई कर पाई क्योंकि आपका मुझ पर इतना ट्रस्ट था, बहुत कम समय के साथ में आपने मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दानिश सर के सॉन्ग पे मैं कभी एक्ट करूँगी, वो करने का मौका मुझे आपके थ्रू मिला है। और जैसे कि हम नागपुर के टैलेंट हैं, जनरली इस तरीके के सॉन्ग के लिए मुंबई की कास्टिंग होती है, बट आसिफ सर की वजह से और ढेरिया सर की वजह से हम लोगों को नागपुर के टैलेंट को यहाँ पर एक्ट करने का मौका मिला है और हम लोगों का टैलेंट फिर शोकेस होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और इससे ज़्यादा लकी मैं फील कर ही नहीं सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच आसिफ सर, ढेरिया सर और दानिश सर, आपकी आवाज़ की तो बात ही अलग है, जान जो इस गाने में आई है वो सर की आवाज़ की वजह से है। सो थैंक यू सो मच, हमसे जितना हो पाया हमने उतना बेस्ट करने की कोशिश की, बहुत सारी ऊंच नीच हुई पूरे शो के मतलब पूरे शूट के दौरान, बहुत धूप में हम लोगों ने ये शूट किया है, ये अभी लॉन्च हो रहा है बट हमने बहुत पहले धूप में कर लिया था ये काम, अब पूरी टाइमिंग निकल गई है तब हम लोग इसका लॉन्च कर रहे हैं। तो ओवरऑल आई एम रियली ग्रेटफुल आसिफ सर आपके लिए भी, मतलब थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। प्राइड ऑफ आवर नेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर्स जिन्होंने इंडियन आइडल में अपने सफलता के झंडे गाड़ दिए, जिनको हम हमेशा बड़ी आतुरता से हर रोज़ देखा करते थे व्हेन द शो वाज ऑन, एंड वन ऑफ द व्हेन इट कम्स टू स्पेशली हाई पिच सॉन्ग्स, यस और नो, यू कैन हार्डली इमेजिन, जिनको संगीत की थोड़ी बहुत जानकारी होती है वैसे हर किसी को होती है, क्योंकि हर आदमी तानसेन नहीं हो सकता बट हर आदमी कानसेन जरूर होता है। तो उन्होंने जो कला पेश की वो हम बड़े चाव से देखते थे, मिस्टर मोहम्मद दानिश हु इज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स वर्ल्ड ओवर एंड एज वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ही इज वेरी बिजी बट स्टिल ही हैज फाउंड सम टाइम टू बी रिमेन प्रेजेंट इन दिस स्मॉल फंक्शन, वी आर रियली थैंकफुल टू यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। ये जो देखा मैंने इसमें मुझे पुलिस का काम दिखा, यस और नो, द एल्बम गिव्स द मैसेज ऑफ कमल हामनी, इन्होंने जिस टाइम ऐसा किया तो मैडम ने उनको बोला हाथ खोल, जब इन्होंने हाथ खोले तब हमको एक कमल हामनी का मैसेज मिला। दिस इज व्हाट इज लव, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप दैट टीच अस ऑल ऑफ अस, यस और नो। दोस्तों मैंने बहुत बुरे दिन देखे, मैं मालेगांव के राइड्स में था, मुंबई के राइड्स में था, आई वॉज ऑलमोस्ट किल्ड,
I can tell you and all of us know that communal riots can be the worst possible thing that can disturb the social fabric of our wonderful nation. Yes or no? तो ये एल्बम सिर्फ इनके दोनों के बहुत बढ़िया एक्टिंग का मिसाल नहीं है, दानिश जी के बहुत ही बढ़िया सिंगिंग की मिसाल नहीं है, डेरिया जी के बहुत बढ़िया लिरिसिस्ट और बाकी जो भी वो गवर्नमेंट सर्वेंट है बट इतने अच्छे आर्टिस्ट है, मुझे थोड़ा सीना चौड़ा होगा मेरा बिकॉज आई एम ऑल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू सो मेनी थिंग्स आफ्टर आई गेट रिटायर. तो बहुत अच्छा लगा विक्की जी, हमारे गुरु जी कंसोड़ साहब, ऑल दी वंडरफुल पीपल स्टैंडिंग हियर ऑन डायस एंड ऑल दी मीडिया मैन एंड ऑल दी वंडरफुल पीपल. आई नो द क्राउड इज वेरी स्मॉल बट वेरी प्रेशियस पीपल. यस और नो? तो पुलिस को ऐसे प्रोग्राम में तो आमतौर पर कोई बुलाता नहीं. पुलिस के बारे में बोला जाता है कि पुलिस बिन बुलाए मेहमान होती है, बट टुडे आई कैन टेल ऑल ऑफ यू प्राउडली दैट आई एम बुलाया हुआ मेहमान. कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपनी एक ही ड्यूटी करते हैं, उस डिपार्टमेंट में बड़े प्यारे फनकार होते हैं, जैसे कि हमारे सामने पहले खड़े हैं बाबुल सर, बड़े मैं फिर से बहुत प्यारे नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने वैसा सीखा नहीं है, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के उन्होंने इतने सारे गानों को खुद की तैयारी से ऐसा परफॉर्म किया है कि लोग उस पर बहुत इंजॉय करते हैं. और पीछे बंसल सर, ये बिल्कुल हम लोगों की मतलब फैमिली की तरह है, इनकी पोस्ट बाद में है, रिश्ते पहले हैं हमसे. तो मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ सेलिब्रिटी मैनेज करना हमारा काम नहीं है, हम लोग खुद इवेंट ऑर्गेनाइज भी करते हैं. आज ये बात निकली है तो मैं अनाउंस कर दूं कि जनवरी में हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं. हमेशा ये देखा होगा आपने कि जब कभी कोई बड़ा नेता या बड़ा सेलिब्रिटी होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ वहाँ बंदोबस्त का काम करता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हम लोग एक शो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जनवरी में, जिसमें कुछ आर्टिस्ट पुलिस डिपार्टमेंट के ही परफॉर्म करेंगे और भी अगर दूसरे आर्टिस्ट मुंबई से आके परफॉर्म करेंगे, और एक अवार्ड भी दिया जाएगा हमारे यहाँ के आर्टिस्ट को, नागपुर गौरव अवार्ड, जिसमें एक पॉलिटिशियन और पुलिस डिपार्टमेंट से कमिश्नर साहब ये दोनों एक स्टेज पे खड़े होकर अवार्ड देंगे. लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोगों का इसमें साथ होगा. बस आप लोग थोड़ा सा स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पूरी टीम को, दानिश भाई उनके साथ सभी टीम, इतना अच्छा एक मैसेज के साथ एक प्रेयर के साथ सॉन्ग हमने सुना जिसको यहीं पर लॉन्च करने का काम हुआ है. और बादल साहब आपके बारे में क्या बोलूं, अशोक बादल जी हमारे मित्र भी हैं और कोई भी महफिल में गए कि वो अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग जगह बना लेते हैं. डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पूरे टीम को. और दानिश भाई हम तो कुछ तो भी आपकी पूरी टीम से कुछ सुनना चाहेंगे, हम सब खड़े भी इसीलिए और आए भी आप लोगों से पूरी टीम से मिलने के लिए. तो मैं वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा और हमारे एरिया में आपने इसका लॉन्च रखा, आपका बहुत बहुत थैंक्स भी करूंगा. थैंक यू वेरी मच सर के आशीष भाई का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ तमन्ना इवेंट्स आशीष भाई को और दानिश भाई को. दानिश भाई को तो मैंने अभी तक के इंडियन आइडल में देखा, लेकिन आज पहली बार मैं बंसूँ और बहुत अच्छा लगा. इतना बढ़िया आवाज़, इतनी हाई पिच, इतनी अच्छी खूबसूरत आवाज़ और बहुत सुंदर. और ये दोनों आर्टिस्ट ने भी इतना अच्छा काम किया हुआ और नागपुर के लिए काफ़ी गौरव की बात है. और मैं चाहता हूँ आशीष भाई से कि ऐसे ही नागपुर में इस तरह से इवेंट हो जाए, इस तरह से ऐसी एल्बम बनाते जाए ताकि नागपुर के कलाकारों को चांस मिले. और फिर से पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, खास करके बाबुल साहब को भी, हमारे सिंगम साहब है, हमारे पूरे डिपार्टमेंट के बड़े एक गौरव है, और विक्की भाई भी, और आसिफ भाई को फिर से धन्यवाद, शुक्रिया. और मुझे यहाँ पर फिल्म प्रोडक्शन पे तो जाएं जल्दी जल्दी, इसके बाद यहाँ से फ्री होने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी करें और गाना जरूर देखें, अपने कमेंट्स जरूर देंगे. एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरी टीम के लिए, बहुत मेहनत से सब लोगों ने काम किया है यहाँ पर. एंड मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सो मच कि इतना प्यार दे रहे हैं आप सब लोग. मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ, जिस जो इज्जत आप हमें दे रहे हैं. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर जी के लिए. मैं तो सर आपकी बॉडी देख रहा हूँ कब से. एंड बहुत ही कमाल के लिरिक्स जो है वो लिखे हैं सर ने, एंड इसकी कॉम्पोजिशन भी इन्होंने ही की है. तो जब ये गाना आसिफ भाई ने मुझे भेजा तो मैंने पहला वर्ड सुनते ही बोल दिया कि हाँ भाई मैं इसको गाऊंगा, क्योंकि ये जो कलाम है वो मेरे दिल के बहुत करीब है.
क्योंकि इसमें मौला अली और आका इनामदार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो चल रहा है, उनसे नस्बत रखता है ये कलाम, तो ये बड़ा नस्बती कलाम है मेरे लिए। तो मैं तो उसको जब भी सुनता हूँ तो मुझे तो हमेशा से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सिंग फॉर यू, एंड जोरदार ताली हो जाए इन सब लोगों के लिए, आसिफ भाई के लिए स्पेशली, जिनकी बदौलत आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एंड अभी गाना लॉन्च भी हो चुका है तो प्लीज़ इसको जाकर सुनिएगा सर के चैनल पे SMW फिल्म प्रोडक्शंस पे। एंड आइए ना सर आगे कार्यक्रम बनाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ा सा रिवर्ट देंगे सर। हेलो ये तो गा दीजिए, लेकिन कोई एक ऐसा नाम बढ़िया कोई शर्म वाला है, ममता जोगी। ममता जोगी सर, हेलो। ना जाए दिल की चिट्ठी एक प्रेम का प्याला प्याला पिया एक कल में सदिया जिया, मैं प्रेम प्याला पिया एक कल में सदिया जिया, सारी मधुशाला पिया एक बल में सदिया जिया, मैं जिया मैं भी है जब बोला भी है मैं जिया। ममता जोगी ममता जोगी 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 जोगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जल्दी बना रखी है वो बार बार भूल जाता हूँ। आप सबकी तालियों के साथ चाहे आप लोग का भी इतना करम कर दे इतना करम पे कर दे, प्रेम का दर मेरा मुझसे उठ न जाए, मेरे यार का साथ छूट न जाए, बहुत हो चुकी गम की रातें भी अब तो थोड़ी सी मुझको सह गए अल्लाह, इतना करम पे कर दे या अल्लाह। वाला दो ना, ये खुशी का अनाउंसमेंट तो किया नहीं, कंपनी 11 साल हुए मेरे। आज के
लंदन सेंटर वरून फरहान भाई सब कर लेते साउंड भी बहुत अच्छा है और गाना भी कमाल है। अभी आप सब लोगों ने देखा, आपको कैसा लगा गाना? बहुत ही कमाल के लिरिक्स लिखे हैं सर ने, धुन भी उन्होंने ही बनाई है, तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया ये गाना एंड बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैं नागपुर में आया हूँ एंड आते ही आसिफ भाई ने हमारे जो है दरगाह शरीफ की ज़्यारत कराई है, जो मतलब मैं तो चाहता ही था कि मैं नागपुर आऊँ, इसलिए कि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल का जो है वो एक्सपीरियंस रहा है। इतना करम जो गाना है वो माशाल्लाह शूट भी ताजबाग शरीफ में हुआ है एंड आज हम वहाँ से ज़्यारत करके आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड बहुत क्या बोलते हैं दिव्य पवित्र फील हो रहा है आज। इस गाने को मैं जब भी सुनता हूँ तो वो पवित्रता आती है। सर फ्यूचर प्लान बहुत सारे हैं, अभी हाल ही में हमारी 2 दिन पहले फिल्म लगी है मेरी नज़रअंदाज, इसके अंदर मेरा गाना है, म्यूज़िक उसमें विशाल मिश्रा जी का है और गाया है मैंने और सचिन टंडन भाई ने, तो अभी वो थिएटर्स में लगी हुई है तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा। एंड अभी फ्यूचर प्लान्स तो ये सर ये हैं कि अभी शोज़ चल रहे हैं हमारे एंड इसके बाद हम वर्ल्ड टूर करने जा रहे हैं, US टूर कर रहे हैं, अभी कल मैं निकल जाऊँगा मॉरिशस के लिए, तो बैक टू बैक हमारे शोज़ हैं एंड आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्मों में गाने जो हैं वो अल्लाह के शुक्र से गा दिए हैं, बस आने बाकी हैं, तो जब आएंगे तो इंशाल्लाह पता चलेगा। तो आज हमारा तो पहला गाना लॉन्च हुआ है यहाँ पर इतना गर्म, तो अभी तो प्रेजेंट प्लान तो ये चल रहा है एंड प्लीज़ इसको सुनिएगा गाइस यूट्यूब पे जाकर एंड जितना गाना जितना प्यार आपने हमारे पुराने गाने को दिया है इसको भी प्लीज़ उतना ही प्यार दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा इसको सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे। सर बिल्कुल अगर मुझे लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई एक्टर अच्छा हूँ, अगर मैं एक्टिंग करूँगा तो फिल्म फ्लॉप ही हो जाएगी। नहीं नहीं सर शादी नहीं हुई है अभी। तो एक्टिंग तो सिर्फ मेरा एक शौक है, मैं आपने देखा होगा इंडियन आइडल के अंदर भी मैं कुछ एक्ट्स करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खराब एक्टर हूँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा एंड ये मतलब एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, तो बिल्कुल फ्यूचर में अगर कोई ऐसा प्लान होगा तो बिल्कुल ज़रूर आएंगे। एंड म्यूज़िक वीडियो में तो मैं एक्टिंग करता ही हूँ एंड बहुत सारी अभी म्यूज़िक वीडियोज़ भी हमारे आने वाले हैं जिसके अंदर आपको हमारी जो है वो एक्टिंग देखने को मिलेगी। करम कीजिए। देखिए म्यूजिक तो एक जन्म से ही ईश्वर की देन होती है, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी कला हम उसको बाद में निखार सकते हैं लेकिन वो ईश्वर उसको लेके हमको पैदा करता है। तो म्यूजिक मेरा शुरू से एक पैशन रहा, शुरू से मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं इस फील्ड में आगे जाऊँ, बहुत मुश्किल होता है लेकिन एटलीस्ट संडे तो हमारा है, हम कोशिश करते हैं कि सैटरडे पूरी नाइट और संडे को पूरा दिन म्यूजिक में लगा दें और उसी का ये परिणाम है। और इतने खूबसूरत गाने तभी सफल होते हैं जब ऐसे बड़े सिंगर हमारे साथ हों, पूरी टीम हमारे साथ हों। और फ्यूचर मेरा यही प्लान है कि मैं ऐसे म्यूजिक दूँ, जैसे हर इंसान अपने अपने तरीके से, जैसे आप अलग से समाज सेवा करते हैं, मैं एक समाज को मैं कुछ दे सकूँ संगीत के माध्यम से, जैसे इसमें हमने एक धार्मिक सद्भावना का संदेश दिया, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे गानों के माध्यम से लोगों में एक जागरूकता है, क्रांति है। थैंक यू सर। महसूस तो मुझे मतलब अच्छा ही लगा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आइडल के इतने फिनाले में चला जाऊँगा एंड लोग इतना प्यार करेंगे, कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इतना लोगों ने प्यार किया, मतलब ये तो मैं एक सपना लेके आया था इंडियन आइडल कि हाँ मुझे अपनी जाति पहचान बनानी है, लेकिन हम लोगों को भी नहीं पता था कि इस शो को इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा कि जो वो टेलीविज़न हिस्ट्री का नंबर वन शो जो है वो हमारा इंडियन आइडल 12 जो है वो बन चुका था, तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ऊपर से लॉकडाउन की मेहरबानी रही है हमारे शो पर, जो लॉकडाउन लगा है तो उसके अंदर हमारी TRP जो है वो जग से बड़ी ऊपर गई है, सब लोगों ने देखा उसको शो को, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग सब लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब चीज़ें इतनी जल्दी मेरे साथ होंगी जो अभी हो रही हैं। अभी जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग बहुत प्यार करते हैं, लोग फ़ोटो खिंचाते हैं एंड मेरे नाम से मुझे जानते हैं कि दानिश भाई आपका वो गाना हमने सुना, आपका ये गाना हमने सुना, आपका वो गाना हमने सुना, तो ये सब एक सिंगर के ख्वाब होते हैं जो आज अल्लाह के करम से पूरे होते नज़र आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है एंड आई फील ऑलवेज ब्लेस्ड जब ये सब चीज़ें देखता हूँ। जी उसको मैं बात करता हूँ, बस जहाँ दानिश भाई ने बात ख़त्म करी पहले वहाँ से शुरुआत करो कि हर एक आर्टिस्ट, हर एक इंसान जो अभी इस डाइस पे एक सपना लेके आता है, एक ख्वाब देखता है, तो ख्वाब पूरे होने के लिए देखे जाते हैं कि मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए, मैंने
लहू के कतरे मिट्टी में बुए हैं, खुशबू जहां भी है वो मेरी कर्जदार है। ऐ वक्त एक दिन होगा तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। तो ये वो लोग हैं जो ये जानते थे कि जीतने के लिए पैदा हुए हैं। आपने ये भी बात सुनी होगी या मैं अपने अल्फाजों में बताना चाहूं कि लफ्ज कभी कभी सदा बन जाते हैं, लफ्ज कभी कभी दुआ बन जाते हैं, लफ्ज एहसास का दरिया भी है, खामोशी की तर्जुबानी भी है। दो लफ्जों को जब प्यार से जोड़ा जाता है तो ऐसी नज्म बनती है जो आज आप लोगों ने सुना। और कंपोजिशन भी कमबख्त ऐसी है कि एक एक स्ट्रिंग, एक एक लेयर साफ सुनाई दे रही है। सबने एक्टिंग अच्छा किया, गाना बहुत अच्छा गाए, दानिश भाई गाते भी बहुत अच्छा गाते हैं, इस गाने को और भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। और पूरे प्रोजेक्ट में जो सबसे छोटा सबसे अपना काम था वो इस काफ़सार ने किया है, क्योंकि ताजबाग विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। ये मेरे लिए बड़ी बात थी कि जब मैं जो प्यारे खान साहब हैं ताजबाग ट्रस्ट के प्रेसिडेंट, मैं उनके पास गया और उन्होंने सिर्फ एक ही बार में हाँ कह दिया, तो ताजबाग में इस तरह से हम लोगों को परमिशन मिली और हमने उस गाने को शूट किया। अभी लॉन्चिंग का भी जो प्लान था ये मुंबई का चल रहा था, लेकिन मुंबई में आए दिन ये सारी चीजें होते रहती हैं, तो हम सोचे कि इसे नागपुर में करना चाहिए और आज ये सब आपके सामने। म्यूजिशियन होने के नाते सबसे पहले तो दानिश को बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक म्यूजिशियन था इसलिए संगीत को समझ सकता हूँ। और इनकी आवाज़ सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि बाबा जान के हमको ये इसका शूट करना है, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और इनको परमिशन दी। और हम लोग अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ताजाबाद में नहीं लेके आ रहे। एक हज़रत बाबा ताजुद्दीन पे बहुत जल्दी हम एक मूवी भी लेके आ रहे हैं, तो इसमें हमारा ऊपर ए आर रहमान साहब से बातचीत चालू है, जावेद से बातचीत चालू है। तो ऐसे आपको हज़रत बाबा ताजुद्दीन में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मैं फिर से एक बार दानिश को बधाई देता हूँ कि वो ऐसे ही आगे बढ़े और बहुत अच्छा करे। शुक्रिया। जब इतने बड़े लेजेंड जो हैं वो आपके लिए कुछ गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो थोड़ा सा भावुक हो जाता है मन कि आज यार, मतलब जिनको हम टीवी पे देखते थे, जिनके हमारी मम्मी डैडी दादा सब लोग फ़ैन हैं, आज उनके सामने मैं अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ एंड परफॉर्मेंस के बाद वो मेरी नज़र उतार रहे हैं एंड उसके बाद वो गाना डेडिकेट कर रहे हैं मेरे लिए, तो एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा वो आँख जो है वो भर आती है कि थैंक गॉड, ऊपर वाले का शुक्र करते हैं हम सब लोग के कि ये क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बस ब्लेस्ड फील होता है। एंड एक चमत्कार जिस शब्द होता है ना, वो एक फील होता है कि हाँ यार ये चमत्कार हो रहा है, तो उस पर बिलीव नहीं होता कि आज क्या हो रहा है हमारे साथ। जी थैंक यू। जैसे कि मैंने बोला कि लोगों को भगाने के लिए पुलिस के गाने का इस्तेमाल मत करो। जो बढ़िया बातें आपने इतने अच्छे लोगों से छुपी है, आई एम ए पुलिस ऑफिसर बट आई एम ए ह्यूमन बींग एज वेल। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस, आई मीन इंसानों में और पुलिस में क्या फ़र्क होता है कि हर इंसान वर्दी के बगैर पुलिस वाला होता है और हर पुलिस वाला वर्दी के साथ इंसान होता है। वाह वाह। तो ऐसे प्रोग्राम्स में आके हमको भी इंसानियत का एक बहुत बढ़िया पार्ट या एक्सपीरियंस आता है। आई हैव हार्डली इमेजिन दैट आई विल बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सच अ वंडरफुल आर्टिस्ट, वेरी यंग एंड बडिंग। और मैंने ये एल्बम के हीरो हीरोइन को थोड़ा सा इशारा दे दिया कि भाई दानिश जी इतने खूबसूरत है कि आपको टक्कर दे सकते हैं। पता नहीं आपका गला कैसा है, सुना नहीं, आप दानिश जी को टक्कर गाने में दे सकते हैं नहीं, मुझे पता नहीं। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी सराउंडेड बाय सच वंडरफुल पीपल। और इस एल्बम में मेरे प्यारे दोस्त दो चेहरे इनके अलावा मुझे पहचान के लगे, मुख्तार जी वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर्स, ग्रेट डिजाइनर, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और उनकी बेटर हाफ अनिशा मैम, इनको भी मैंने देखा तो मैंने ये भी देख के अच्छा लगा कि थोड़ा सा उम्र बढ़ती है फिर भी चांस मिल जाता है कभी कभी। थैंक यू सो मच, आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ टुडेज फंक्शन। आई विल रिमेंबर ऑल दिस मोमेंट्स फॉरएवर। जिंदगी में हर इंसान का जो मकसद होता है जिंदगी जीने का, टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन लाइफ,
In order to become successful, we are working really hard. And in order to become happy, we need stress relief. We need entertainment. We need such moments which can make you relaxed. And music does have this power. People like Mr. Danish and these wonderful actors are the ones who are making all of us happy. So we are really thankful. Really, very wonderful moment. हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है. और वैसे भी इंडस्ट्री पूरी चेंज हो गई है. अर्लियर इट वॉज लाइक एकाधिक मूवी बनती थी, कुछ सॉन्ग्स चलते थे और सालों साल चलते थे. सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत फास्ट फास्ट ट्रैक पर चेंज होने लगा है. लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती है जो हमेशा सुनने का मन करता है. तो आज जो ये सॉन्ग हमने सुना एक प्रेयर के रूप में, बहुत अच्छा लगा. और मुझे ऐसा लगता है कि ये चलेगा. ये क्या है, ये जो दानिश जी ने कहा कि शांति के पल में अकेले बैठकर जब अपन ये सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और हमेशा याद आएगा. दानिश जी, उनकी टीम, स्पेशली इंडियन आइडल में हमने उनको जरूर सुना, लेकिन आज जब हमारे सामने उन्होंने परफॉर्म किया, इतना अच्छा सॉन्ग गा के बताया, तब समझ में आया. और वैसे तो आई एम वेरी प्योर सिंगर, मैं मतलब बाथरूम सिंगर भी नहीं वैसा नहीं सकता हूँ, लेकिन सॉन्ग गाना और सुर में गाना ये बहुत बड़ी आयत है. ये ईश्वर अल्लाह अपने विशेष बंदों को ही देता है. तो जिनको ये बड़ी यानी ईश्वर ने दी हुई गिफ्ट है, तो ये वाकई में बहुत अच्छी बात है. और हम सबको सैल्यूट करते हैं जो इतना अच्छा यहाँ पर हम सब ने सॉन्ग भी डेडिकेट किया, इनॉग्रेट भी किया, और डेफिनेटली बहुत आगे जाएगा. थैंक यू वेरी मच. जितने बड़े कलाकार का साथ मिल जाए, बस उस पॉसिबिलिटी में काम करना चाहते हैं. अपने काम को इतना आगे इतना पॉलिश करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वर्क कर सके, अच्छे लेवल पे काम कर सके. अब तो जस्ट स्टार्ट है, और जब स्टार्ट इतना अच्छा है तो आगे की जर्नी तो बहुत हसीन होगी. दानिश भाई का नाम सुन के हाँ बोल दिया था ना, मुझे गाना सुना ना मैंने स्टोरी सुनी, कुछ नहीं सुना. आसिफ सर ने बताया कि ये दानिश भाई गा रहे हैं, मैं बोला ठीक है, मुझे कुछ नहीं सुनना अभी, सीधा सेट पे लेके चलो, आई एम रेडी. थैंक यू सो मच सर, आपने ये ऑब्जर्व किया, थैंक यू सो मच. बट सर, ये आउटपुट सबके साथ का मिलके ही आता है. दानिश भाई का इतना अच्छा गाना, और इसी ने ही हमें प्रेरणा दी. ये गाना सुन के ही हम लोग एक्ट कर रहे थे, और बाकी आप सब लोगों की दुआ है सर साथ में. तो वैसे भी अच्छा काम करना ही था, इतना प्रेशर था कि दानिश सर का गाना है और आसिफ सर का ट्रस्ट है, तो उसको हमें मैच करना ही था एनी हाउ. तो हमसे जितना बेस्ट हो पाया हमने किया है. हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल करूँगा. और सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हम धैर्य सर के लिए काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल करेंगे. अगर नेक्स्ट इनका अब तो मतलब पूरा सेकंड गाने का एग्रीमेंट करवा के मानेंगे आज करना चाहेंगे. प्रेशर में मैं कभी काम भी नहीं कर पाती थी, एक्टिंग हो जाती है. इन लोगों ने दानिश सर क्या कहा कि मेरे को इतना बड़ा बना दिया कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं थोड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ. ऐसा नहीं है, ठीक है मैंने गाना गाया है, ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं गाया जितना आप लोग सोच रहे हैं. ठीक है, अपना काम चल गया, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया. एक बार जोरदार ताली हो जाए इन दोनों के लिए, बहुत ही अच्छा काम किया है सब लोगों ने. एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया. थैंक यू सो मच आसिफ भाई फॉर इन्वाइटिंग मी हियर. एंड बहुत अच्छा लग रहा है नागपुर में आकर, नागपुर के लोगों से मिलकर. नागपुर कमाल शहर है, मुझे माशाल्लाह प्यार हो गया नागपुर से. थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच. तो सर ने जैसे मुझे कॉल किया कि सनी हमको एक शूट करना है और दानिश सर का गाना है, तो मैंने तो उनको पूछा भी नहीं कि किसका गाना है, क्या गाना है, मतलब सर क्या है, बोले काम है, मतलब ठीक है, हमने वहाँ डन कर दिया. फिर वहाँ से उन्होंने मुझे पूरा स्क्रिप्ट बताया कैसा कैसा हम लोग प्लान करेंगे. लाइक हमको काफ़ी जल्दी शूट करना था, तो हम लोगों ने फिर पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग किया. हम लोग विजिट किए दरगाह वगैरह, इन्होंने सबने परमिशंस लेके रखे. फिर मुझे बोला गया कि शीतल है, संतोष है, तो हम लोगों ने इनसे कोऑर्डिनेट किया. तो और फिर स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी थी, हमने कुछ माइनर चेंजेस किए थे उसमें, जो कि सर ने ही गाइड किया था हमको. फिर हमने वो चेंजेस भी किए, हमने उसको शूट किया, प्रॉपर एडिट किया, फिर उसके बाद भी काफ़ी चेंजेस हुए, लेकिन फाइनली आउटपुट मेरे उम्मीद से तो अच्छा ही निकला. हमको लगा नहीं था कि हम लोग इतना अच्छा कर पाएंगे, लेकिन आसिफ सर के सपोर्ट से काफ़ी एक अच्छा वीडियो बन गया और इतना अच्छा गाना हमें शूट करने मिला. हम अभी दानिश सर के साथ यहाँ खड़े हैं, ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए. थैंक यू.
एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अमोल के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।